मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। इन एक सवा साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुना करने में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प उसको पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक का संकल्प लिया, लेकिन मुझे बताते हुए संतोष और गर्व है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने 2021 में ही पूरा कर दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके किसान का मूंग खरीदने का जो निर्णय उन्होंने आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि 8 जून से मूंग की पंजीयन शुरू होगा और 15 जून से उसकी खराई तुलाई शुरू हो जाएगी खरीदी, जिससे किसानों का मूंग जो 7,196 रुपए क्विंटल भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया लेकिन बाजार में 5,000-6,000 के अंदर आ गई थी, और इसलिए अब 7,196 से नीचे किसान नहीं बेचेगा। और मैं आज दावे से कह रहा हूँ कि जैसे ही हम समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू करेंगे पंजीयन होगा, आज अगर 5,000-6,000 है तो कल 6,000 से 7,000 हो जाएगा और 7,000 से ऊपर भी बिकेगा, क्योंकि मांग और पूर्ति पर भाव चलता है। मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा, पूर्ति ज्यादा है मांग कम है तो भाव घटेगा, और इसलिए सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पे खरीदने का निर्णय लिया है। हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था, भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि गर्मी की मूंग की फसल खरीदने का अनुमति दी और मुख्यमंत्री जी ने उस पर आशीर्वाद दिया और घोषणा की। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का और हमारे उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल जी का और भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ।